आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी राजस्थान बोर्ड की अंक तालिका खो जाए, फट जाए, खराब हो जाए, 10वीं की, 12वीं की या फिर किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र की प्रति सही है, माइग्रेशन सही है या फिर कोई सा भी प्रमाण पत्र सही है, तो दोस्तों आप ऑनलाइन वह प्रमाण पत्र जिसे डुप्लीकेट प्रमाण पत्र कहा जाता है, जो कि ओरिजिनल का जो डॉक्यूमेंट होता है उसी प्रकार का आता है, तो वह आप ऑनलाइन ऑर्डर किस प्रकार से कर सकते हैं, यही जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल पाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना होगा RBSC अजमेर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका URL आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, यही URL वाला पोर्टल जो भी आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इसे आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट फॉर द करेक्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, ये वाला ऑप्शन है, जहां पर भी आपको दिखाई दे तो इस वाले ऑप्शन पे आप जस्ट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिल एप्लीकेशन फॉर द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले कौन से ईयर का आप डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं उसका चयन करेंगे, कौन सी क्लास का मंगा रहे हैं उस क्लास का चयन करेंगे, 10वीं 12वीं या फिर अन्य कोर्स। उसके बाद आप मार्कशीट मंगा रहे हैं या फिर दोस्तों डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन या फिर अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट जो आपने करेक्शन करवाया था। इसके अलावा फीस वगैरह जो भी है, इसका कितना पेमेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने ये डिटेल भरी, एग्जाम ईयर लिया, क्लास ली, डॉक्यूमेंट ली, फी ली और सर्विस वगैरह चार्ज वगैरह आ जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लेंगे। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे स्टूडेंट का, फिर फादर्स नेम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ये सारा डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे इन सीआरओ को फिलअप कर लिया। इन सीआरओ को फिलअप करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और आगे वाले भाग के अंदर मोबाइल फोन संख्या, जिसे एक्टिव मोबाइल फोन संख्या बिल्कुल, जिसके ऊपर कभी भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, वह मोबाइल फोन संख्या यहाँ पे एंटर कर लेनी है। उसके बाद उस मोबाइल फोन संख्या को रिपीट कन्फर्म कर लेना है, रिपीट डाल के। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी जरूर डालें। उसके बाद अवेलेबल नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दे, अपने रोल नंबर डालेंगे, जिस क्लास की आप अंक तालिका मंगा रहे हैं उसी क्लास के रोल नंबर आपको डालने हैं। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहां पे आपको अंक तालिका मंगवानी है, एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है, एड्रेस में कोई भी गलती रखी तो आपकी अंक तालिका आपको प्राप्त नहीं होंगी, पिन कोड सहित बिल्कुल सही एड्रेस आपको फिलअप करना है। एड्रेस के लिए दो लाइन अवेलेबल है, आप पूरा एड्रेस यहाँ से आसानी से डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेंगे और इस एड्रेस से संबंधित आपका आधार कार्ड के अंदर ये एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली आप जो अजमेर के केंद्र से ले रहे हैं तो इस ऑप्शन में ऊपर वाले डिलीवरी बाय द हैंड एट द यहाँ पे सेवा केंद्र अजमेर ले लेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे, इसको टिक नहीं करना, डायरेक्ट घर पे मंगवानी है तो पिन कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या स्टूडेंट की कंप्लीट दर्ज की जानी है और उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर डॉक्यूमेंट अटैच फुल आधार कार्ड कॉपी, यानी कि बैक वो फ्रंट दोनों साइड की आधार कार्ड कॉपी आप स्कैन करके इस प्रकार से JPG फॉर्मेट में बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन का आप चयन करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आपने एक एक करके डिटेल भरी कंप्लीट आधार कार्ड सहित, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको एक एक करके डिटेल भरनी है, यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं बहुत सारे लोग और उनको अंक तालिकाएं नहीं मिल पाती। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन एक ही है ICICI बैंक, जिसका आपको सेंड करना है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको कंप्लीट डिटेल दिखाई देने लग जाएगी, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बार फिर से आप इस पूरी डिटेल की कंप्लीट जांच करेंगे, क्लास डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं, अंत में आएंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन जो भी पेमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप पेमेंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हो सकता है अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाएगा उसके बाद, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आ गए, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन ले लिया, जो भी बैंक के वगैरह हैं सभी ऑप्शन मिल जाते हैं,
पे नाउ पे क्लिक करके जैसे ही पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और इस प्रकार से आपका सालान स्टेटस बताने लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड देखना है तो व्यू आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आधार कार्ड भी देखा जा सकता है। इसके अलावा ये कंप्लीट डिटेल है तो इसके प्रिंटआउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेनी है जो भविष्य में आपको काम आएगी कि आपने आवेदन किया था। तो इस प्रकार से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट यानी कि मार्कशीट हो गया या फिर कोई प्रमाण पत्र है, माइग्रेशन है, आपने अंक तालिका के अंदर करेक्शन कराया था, करेक्शन हो गया है तो उसकी प्रति आपको मंगवानी है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डुप्लीकेट प्रमाण पत्र राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के मंगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप मैंने फॉलो करना कहा उन स्टेप को फॉलो करके आवेदन करके मंगवा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करें जिससे भविष्य में RBSC से जुड़े हुए ऐसे ही और वीडियो जो मैं आपको दे पाऊँ। तो बाय बाय दोस्तों।